अस्सलाम वालेकुम। शनाख्ती कार्ड भी था, सब कुछ भी था, उनका भी हो रहा है। बैक मिरर कोई नहीं, ये बात सबका, आपका बैक मिरर सबका, आपका लगा हुआ है। यूज करने हैं चार बैक मिरर लाके चढ़ दे, चार बेचो यार। इधर आए कोई है, कोई पुलिस वाले भी, पुलिस वाले भी बुलाओ यार, पुलिस वाले भी बुलाओ जल्दी ना। आओ इधर साहब, इधर यार। आपका कानून के मुताबिक है आप भाई, मेरा लाइसेंस किधर है, किधर लाइसेंस किधर है, मेरे को सारा कुछ लाइसेंस किधर है भाई, शनाख्ती कार्ड चलान हो गया, लाइसेंस किधर है, चलान हो गया, लाइसेंस किधर है, बहरहाल और लाइसेंस किधर है, चलान हुआ ये भाई, लाइसेंस दिखाना यार, अभी चलान किया यार, आप लाइसेंस दिखाएं मुझे। मैं उनको यही कह रहा, मेरे पास लाइसेंस देख ले, लाइसेंस दिखा दे बस, आप लाइसेंस दिखा दे यार बस। पहना है सर, अपना रजा साहब लाइसेंस मांगे इनसे, लाइसेंस दिखाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं ना, गाड़ी बंद करें यार इनकी, दिखाएं। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो फिर तो आपकी गाड़ी बंद, गाड़ी बंद होगी सर। ये देखें, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड आपने दिया है, लाइसेंस दिखाएं जी सर जी, अभी अभी दिखाएं जी जी जी। कानून के मुताबिक होगा, जब आप शहरी को समझाने की कोशिश, कानून के मुताबिक गुस्सा करते हैं कि आपने हमारा चला निकला यार, ये बात क्या नहीं किया आपने, आपको समझाना, आपकी लाइफ के लिए समझाना, वो बड़े हैं उनको। चाचा जी मेरी बात सुने, चाचा का मसला क्या है, आप इधर देखे, मैं चाचा को सुनता हूँ, चाचा क्या हुआ है, एक बंदे हेलमेट पाया होंदा, सिर दर्द होंदा जां ओनू नहीं दर्द, ठीक है, पागल हो जांदा ओ, ओ की करे जां ता बह जाए जां मंगन बह जाए, ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बह जाए, ठीक कह रहे हो जी। चाचा जी मेरी बात, हेलमेट पे क्या लगा है कि उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, उसमें कांटे लगे हुए हैं, बीमार हो जाता है, एक शुरू से नहीं, एक चीज आदत भी नहीं है ना, आग नहीं रखा, टोपी नहीं रखी, ओपन हेलमेट पहन सकते हैं, ओपन हेलमेट, लाइसेंस दिखाएं, वो देता है यार, कहां है लाइसेंस दिखाएं, पर्ची दे दी उनको, पर्ची छोड़े यार, ये गाड़ी बंद होगी भाई, इस तरह नहीं हो सकता, आप आंखें भी निकालें, आप बातें भी सुनाएं, सर नहीं निकाली, आप देख लेना प्रोग्राम में, प्रोग्राम में देख लेना, आप गलत बात, प्रोग्राम में देख लेना, आप गलत बात कर रहे हैं, आपने गुस्से का जाहिर किया है कि आपने हमारा चलान करवाया यार, हमने हम तो आपको कानून के मुताबिक कह रहे हैं कि हमारे शहरी सेहत का भी ख्याल करें और आपसे बातें भी सुने यार, ये कौन सा तरीका है, आपकी गाड़ी ये बंद होगी, गाड़ी इसलिए बंद होगी कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप मोहब्बत से जाएं। चाचा जी मेरी बात सुने, आप जा रहे थे लाहौर के अंदर रोजाना, हेलमेट नहीं लाइसेंस, जब से कॉलेज से फारिग, सबसे पहले 2002 से सर, सबसे पहले लाइसेंस चाहिए, 16 साल हो गए मैं, सर आपका लाइसेंस सबसे पहले चाहिए, सर लाइसेंस चाहिए, सर गाड़ी बंद करें और ये गाड़ी सिफारिश पे खोलेंगे तो मैं फिर सीटीओ साहब से मिल लूंगा, हेलमेट जो है वो महंगा हो गया, लेकिन आप इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना कि एक्सीडेंट में हेलमेट होना चाहिए, लेकिन ये थोड़े थोड़े जानते थे, एक कानून पास होया है, चलो ना, कानून के मुताबिक नहीं, हर इंसान हो गया पास कानून, कितने वेल अवेयर्ड शहरी हैं, क्या नाम है चाचा का, मेरा नाम साबर हुसैन है, मेरा बेटा गाड़ी मोटरसाइकिल जाता है और हेलमेट डाल के जाता है, अल्लाह ना करे किसी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो मसला क्या है, ये बिल्कुल सही है सेफ्टी वास्ते, इन्होंने सारे अफसोस कर लो, गड्डी इन्होंने बंद हो गई, गड्डी आओ ये ना अफसोस कर लो सर, बड़ा अफसोस होया टाडे ना, गड्डी का काम नहीं बेटा। अच्छा जी सूरत हाल ये है, कानून बड़ा जरूरी है जी, आप कानून के मुताबिक नहीं निपटेंगे, आनी हाथों से कानून इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो सूरत हाल आपको यूं की तू नजर आएगी, और शहरी जो है वो आपको, जो जितने भी हमारी फोर्सेज हैं जब इंप्लीमेंट करने जाते हैं, वार्डन हजरात बड़े रिस्पेक्टेड हमारे लिए, पुलिस फोर्स जो है वो जब भी इंप्लीमेंट करने जाती है ट्रैफिक फोर्स, तो उसे भी बहुत सारी मुजामत का सामना करना पड़ता है और लोगों को बहुत सारी बातें जो हैं वो सुनना पड़ती हैं, ये यहाँ की सूरत हाल है। हाँ जी हजरत साहब ये देखें, भागने चक्कर में वो बंदा नीचे देने लगा, ये सूरत हाल है जी, ये सारे लोग हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके, तबीयत ठीक है, आपका लाइसेंस किधर है, मेरे ऑफिस में है, मैं बेटी को लेने जा रहा था इसलिए मुझे इमरजेंसी निकलना, लाइसेंस के बगैर ही जा रहे हैं, फोन आया ना बेटी को, उसकी वैन नहीं आई, अच्छा
हाँ जी, तो मुझे ऑफिस से निकलना पड़ा फौरी तौर। लाइसेंस नहीं है जी, हेलमेट पहना है, बैक मिरर्स नहीं है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आपके पास लाइसेंस? लाइट चलती है? बिल्कुल होना चाहिए सर। आप समझते हैं कि फ्रंट लाइट चलती है सर? सर मैं ये ऑफिस की बाइक लेके आया हूँ, मेरे पास ये वैसे चलती है। जी जी, लाइट चलाए। मैं अभी उड़ गया, लाइट ही चलती अभी उड़ी है। मैं क्योंकि ऑफिस की बाइक है, मेरी है नहीं, तो मैं इमरजेंसी, क्योंकि मेरी बेटी की वैन नहीं आई, उसकी कॉल। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, आप बड़े मुकर्रम हैं हमारे लिए, लेकिन सर आप ये देखें कि जब इस तरह की गाड़ी रोड के ऊपर आती है, वो अपने लिए भी खतरे का बायस बनती है और किसी और के लिए। सॉरी सर। तो आप नहीं, नहीं मैं कौन होता हूँ, हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं, असल तो लॉ एंड ऑर्डर ट्रैफिक पुलिस है। प्लीज आप, आपका साफी भाई हूँ, रोजाना साफत का मतलब कतन नहीं कि आप वायलेट करें। ये साफी भाई हैं जी, इन्होंने अभी हमें बताया, और इनका ये देखें, ये लाइट भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं, बीम भी नहीं चल रहा इधर, साइड मिरर भी नहीं, और साइड मिरर भी नहीं है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। सर मेरी एक्चुअली इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, मेरी बेटी का ना फोन आया कि उसकी वैन नहीं आई, तो वो कह रहे थे। लेकिन अभी ये आप अपनी रजिस्ट्रेशन बुक दिखाएं, अपना आईडी कार्ड दें, अभी आपका चलान होगा। साहब जी कानून के मुताबिक आपसे निपटेंगे, हम दीगर लोगों से बात करते हैं। और वो देखें जी उधर सूरत हाल क्या है, आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? वकील साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, मिजाज कैसे हैं? मैं वकील साहब से पहले बात ना कर लूँ। सर सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं? सर सलाम अलैकुम वकील साहब, हेलमेट ही कोई नहीं सर? हेलमेट हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो ऑर्डर है उसकी वायलेशन कर रहे हैं। नहीं कर रहा, एक्चुअली गलती से मैं यहाँ सुबह आते भूल गया घर में, इंशाल्लाह कल हेलमेट पहन के आएंगे। यहाँ तो कानून के मुताबिक हो रहा है सबके साथ, इसका क्या करें बताते हैं, इसका क्या करना है? बात बड़ी अच्छी बात। दूसरा वो बैक मिरर एक लगा है, दूसरा कोई नहीं, लाइसेंस तो होगा आपके पास बाइक चलाने का, जारी बात है। कहाँ है रजा साहब जी, चेक करें सबको, कानून के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं वकील साहब कि सारे लोग जो है ना उनको एक कैडर में लेके आए, कोशिश करें कि सबको चेक करें अच्छे तरीके से। हाँ सबसे पहले क्वेश्चन लोग हमसे करते हैं, सहाफियों से और वकला से, कि आप कानून की पासदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन का सामना हमको करना पड़ता है, इसलिए हमने कहा आप वकील हैं, आपसे भी पूछ लें, तो इसमें माइंड करने वाली गुस्सा करने वाली बात नहीं। मैंने आपकी आपके चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा देखा है मैंने। आप ये बताएं कि एक ऑर्डर जो कानून के तहत हुआ है, आप क्या समझते हैं, अगर चंद लम्हे के लिए भी आदमी बगैर हेलमेट के जाए तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा थ्रेट है ये? सीरियस बात। और आप समझते हैं कि इतने बड़े रश में जहाँ पे हर सेकंड के अंदर बकास साहब सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही हैं, खुदा ना करे अगर आपके साथ हादसा हो जाए तो बहुत बहुत खतरनाक है। सीरियस मैं समझता हूँ, ये हमारे हाईकोर्ट का ये बहुत अच्छा इकदाम है, और कहते हैं मैं समझता हूँ हर शहरी को इस चीज़ पर मुलामत करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगेटेड माई हेलमेट टुडे, बट कहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बी। और आप समझते हैं कि लाइसेंस होना चाहिए हर आदमी के पास जो जिस गाड़ी पे बैठा हो? उसकी कार्ड दिखा दीजिएगा प्लीज। दिखा दो ये जी, कानून के मुताबिक वकील साहब से ट्रीट होगा। और फहद भाई ये बहुत अच्छी बात है कि एक जो वकील है वो अपना दिखा रहा है, आईडी कार्ड दिखा रहा है, लाइसेंस दिखा रहा है, हर चीज दिखा रहा है, यानी कि इससे मतलब मैं जी 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 ड्राइविंग लाइसेंस आपने चलान करना है? जी जी फाइन करेंगे। ठीक है जी, करें आप कानून के मुताबिक देखें जो भी सूरत हाल है। और इसमें आपको ये भी सूरत हाल दिखाना चाह रहे हैं कि जो बगैर हेलमेट वाले भाई को रोके जरा जी, यहाँ तो जी मुताबिक आप जो कंपनियां बाइक बनाती हैं जब वो सेल करती हैं बाइक्स, वो क्यों नहीं हेलमेट साथ देती? आप दुकानदारों को भी पाबंद करें ना, जब बाइक वो सेल करते हैं नई या पुरानी वो हेलमेट साथ दे। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हेलमेट हैं गिफ्ट गिफ्ट के तौर पे, या चार्ज कर लें उनका 50,000 60,000 80,000 बाइक का लेती हैं तो वो एक 2,000 का हेलमेट नहीं साथ दे सकते। ये बात ये बहुत अच्छी तजवीज है, मिरर बाइक के आगे सेफ्टी मिरर भी लगा होता था, अब क्यों नहीं? पहला जमाना अच्छा था बुरा है, बात यह अब क्यों नहीं है? वो बात यह मिरर साथ देते हैं लेकिन मिरर रोल लगाते नहीं है, वो उतार लेते हैं कि टूट जाते हैं, उतार देते हैं। पहले सेफ्टी मिरर पूरा लगा होता था आगे बाइक के, वो बड़ी अच्छी है कि जब बड़ी अच्छी तजवीज है वो अब क्यों नहीं लगा होता? ये बड़ी अच्छी तजवीज है, सर ये सीनियर सिटीजन को इससे सचना हो और जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनके लिए एक फेवर की जाए। ये प्लीज ऐसा ना करें सर, ये प्लीज ऐसा ना करें। स्किन प्रॉब्लम पेशेंट है जो मैं पहनता हूँ, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको इससे तचना हो और सीनियर सिटीजन को भी। ये ओपन हेलमेट पहन लें एक बात है, वैसे कमाल की बात है
कि जी डॉक्टर हजरात ये तो मना कर देते हैं कि हेलमेट नहीं पहनना, लेकिन ये नहीं मना करते जिसको प्रॉब्लम है कि वो बाइक ना चलाए या ड्राइव ना करे। ये भी अजीब बात है, दाना निकलाते हैं उनके लिए। डॉक्टर कभी हेलमेट पहनना मना नहीं करता, वो यही मना करता है कि अगर आप फिजिबल नहीं है तो आप बाइक ना चलाएं। ये सिर्फ बहाने हैं जो लोग आपके साथ करते हैं कि जी डॉक्टर ने मना किया या ये मसला। आप पहले कंपनीज को अलाउ करें कि पहले वो भी हेलमेट साथ वैसे वैसे तो ये अजीब मंतिक उन्होंने किया है कि जो सीनियर सिटीजन है, क्या सीनियर को हेलमेट अलाउ नहीं होना चाहिए क्या? सीनियर सिटीजन की लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके घर वाले ये स्किन प्रॉब्लम है उनको देखे प्रॉब्लम है। तो फिर अगर अगर सीनियर नहीं करेंगे तो जूनियर कहाँ से करेंगे फिर? ये बड़ी प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम वाले को इससे सचना हो ताकि वो ये करें। ये कानूनी तौर पे आप जो बात कर रहे हैं ये फिजिबल नहीं है। प्लीज अगर कोई आदमी जितना मुअज्जज़ है वो तो ज्यादा मोहतरम है। देखें अगर मेरा चाचू है, फालिद है, बाबा है, वो ज्यादा। सर आपकी ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ये स्किन के दाने निकलते हैं उन्हें, उनके लिए बड़ी एलर्जी हो जाती है, उनको इससे किया जाए। बट ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी। आइए रजा साहब मेरे साथ आइए, यहाँ जी आप देख सकते हैं। हाँ बेटा साइड पे ले आए, साइड पे ले आए ताकि ट्रैफिक। यार साइड मिरर किधर रहे हैं आपके? लाइसेंस है? लाइसेंस भी कोई नहीं, ये क्या बनेगा जी? लाइसेंस ही नहीं, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया वो आपने? इतनी सख्ती है उधर, रश बहुत होता है। तो फिर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। काम इसलिए रहे हैं इधर। मोटरसाइकिल के ऊपर राइड करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल लाइसेंस लेना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बाइक घर रखें, साइकिल चलाएं, ठीक है? तो अभी आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं। ये बाइक के साथ हैंड फ्री क्यों? कॉल सुनना होती है? ये कॉल भी सुननी होती है, वो ऑफिस वालों ने दी है कॉल। अभी अपना आईडी दें। ये क्या जी? देखें ये तो अटेंशन डाइवर्ट होती है। नहीं, बाकायदा अटेंशन डाइवर्ट होती है, और अहम बात यह है कि बाइक चलाते हुए हमें किसी भी सूरत में मोबाइल फोन को नहीं सुनना चाहिए। और इसकी बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी लेन को देखें, साइड पे हो जाएं, आराम से अपने मोबाइल को सुने और फिर अपने ड्राइव को जारी रखें। ये आपके लिए खतरा है, आपकी फैमिली के लिए खतरा है, और पीछे बैठने के लिए खतरा है, और उन लोगों के लिए भी खतरा है जो रोड पे चल रहे हैं। ये बहुत डेंजर है, आप इसको अवॉइड करें प्लीज। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखी होगी यहाँ पे कि मैं कहता हूँ कि 60-70% लोगों के लाइसेंस नहीं है जो मोटरसाइकिल बाइक चला रहे हैं। इसकी चाहिए कि सिटियों को चाहिए कि जो लाइसेंसिंग का तरीका है ना, उसमें शहरियों को अवेयर किया जाए कि आप लाइसेंसिंग लाजमी करें मोटरसाइकिल की, गाड़ी की। उसके बाद इसका तरीक़ाकार प्रोसीजर आसान किया जाए ताकि हर शहरी जो है ना अपना लाइसेंस बना सके। साहब लाइसेंस बनाते तरबियत नहीं आप दे पाते, स्कूलिंग नहीं प्रॉपर कर पाते, और इन्होंने कोई क्लासेस भी नहीं ली होती, इसकी वजह से जब ये रोड्स पे निकलते हैं तो ये अपनी मर्जी करते हैं। इसका क्या किया जाए? मसलन एक आपका स्कूलिंग सिस्टम हो जहाँ से एक बाइकर निकले ट्रेंड होके, वो जब रोड पे आएगा तो उस तरह का बिहेव करेगा जो आपने तरबियत दी होगी, इसका क्या करें? पूरे लाहौर में हमारे CTO साहब ने 8 से 9 ड्राइविंग स्कूल बनाए, ठीक है, उसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका प्रोसेस 2 महीने का है, जो बंदा 2 महीने का प्रोसेस कम्प्लीट करता है, जो जिसका टेस्ट लिया जाता है, जो पास होता है, उसको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। प्रोसेस चल रहा है लाइसेंसिंग का, ठीक है।